हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इजी लर्निंग विद हिमाल ने 30,000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स बिकॉज ये आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो कीप सपोर्टिंग गाइस एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो जो आज की मेरी वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, दैट इज़ फ्रेजेज एंड इट्स टाइप्स। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि एक फ्रेज होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको आज सिक्स टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एक्सप्लेन करूंगा, जो है नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, देन एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज एंड जेरन फ्रेज। और मैं हर फ्रेज का आपको कुछ रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जनरली फ्रेजेस का क्वेश्चन कैसे आता है आपको एग्जाम में कि आपको कुछ फ्रेजेस अंडरलाइन किए होते हैं और आपको बताना होता है कौन सा टाइप ऑफ फ्रेज है। तो आज मैं आपको इस तरह से टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे से बता दें कि ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रेज है और आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाएं। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेजेज एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले आता है कि वॉट इज अ फ्रेज, फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, फ्रेज होता क्या है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस का मतलब जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड करता है, और जो पूरा सेंटेंस का जो मेन रोल है वो उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आता है। ठीक है, कि पूरा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेम आउट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली फ्रेज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है किसी सेंटेंस में जो ओवरऑल किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग, बट अगर हम सिर्फ एक फ्रेज लिखेंगे उससे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता, तभी कोई फ्रेज एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग होता है, फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फ्रेज को कुछ एडिशनल वर्ड्स चाहिए होते हैं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। हम बोल सकते हैं फ्रेजेस में हमें कुछ एडिशनल वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो सबसे बड़ी बात है कि फ्रेज अलोन कैन नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल, आई सॉ अ जोकर इन द स्ट्रीट। सो इन द जोकर, आई हैव अंडरलाइन दिस, मैं इस फ्रेज की बात कर रहा हूँ, इन द स्ट्रीट। अगर आप सिर्फ इन द स्ट्रीट लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ इन द स्ट्रीट लिख दोगे तो इन द स्ट्रीट क्या, स्ट्रीट में क्या, ठीक है, तो हमें नहीं पता, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अगर हम सिंपल इन द स्ट्रीट लिख देंगे उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, बट जब हम एक प्रॉपर सेंटेंस लिखेंगे, आई सॉ अ जोकर इन द स्ट्रीट, हमने ये लाइन और इसमें ऐड कर दी, आई सॉ अ जोकर, अब इसका एक कंप्लीट मीनिंग बन गया। तो अ फ्रेज स्टैंड अलोन कैन नॉट डिपिक्ट द होल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो अब हमारा था टाइप ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे, आपको कुछ फ्रेजेस दिए होंगे और आपको बताना है किस टाइप ऑफ फ्रेज है। पहला आता है नाउन फ्रेज। एज द नेम सजेस्ट, अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। ठीक है, वो फ्रेज जो एक नाउन की तरह एक्ट करेगा वो आपका नाउन फ्रेज है। इट कंटेन्स अ नाउन। अब इसको समझना कि कैसे पहचानना है कि नाउन फ्रेज कौन सा है, तो उसमें एक नाउन होगा एंड अदर एसोसिएटेड वर्ड्स विच मॉडिफाई द नाउन, मतलब नाउन होगा और नाउन के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो उस नाउन को मॉडिफाई करेंगे। मतलब अगर आपको नाउन फ्रेज का पता करना है तो फर्स्ट उसमें एक नाउन होगा, सेकंड उसमें मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे या कोई सिंगल वर्ड होगा जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, ये हमारा एक फ्रेज आ गया जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो नाउन फ्रेज आपका ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम, अब ये आपका जो होम है ये नाउन है, और ये ह्यूज और ब्यूटीफुल ये दोनों आपके मॉडिफायर हैं, ये उस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं कि किस तरह का होम, ह्यूज होम, बड़ा होम, खूबसूरत होम, ब्यूटीफुल होम। तो बेसिकली आपने पहचान लिया कि नाउन के साथ कुछ मॉडिफायर्स लगे हुए हैं। तो अ ह्यूज ब्यूटीफुल होम आपका एक नाउन फ्रेज है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। नाउन फ्रेज आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, इसमें मैंने फ्रेज अंडरलाइन किया हुआ है, फ्रेज कौन सा है, अ वुमन इन द विंडो। अब मेन बात ये है कि नाउन फ्रेज क्यों है,
वुमन आपका नाउन है और इन द विंडो वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि वुमन तो एक नाउन है बट वो वुमन के बारे में बता रहा है कि वो वुमन विच इज एट द विंडो जो खिड़की पे है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वुमेन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब भी नाउन और मॉडिफायर आते हैं तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। सेकेंड टाइप इज योर प्रेपोजिशनल फ्रेज, अ फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन से फ्रेजेस होते हैं जिसमें एक प्रेपोजिशन होगी या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगी। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन मतलब नाउन या प्रनाउन, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आपका या तो नाउन होता है या वो प्रनाउन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। लाइक नियर अ वॉल, नियर आपका प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है विच इज नाउन। वैसे अंडर अ ट्री, अंडर आपका प्रेपोजिशन है, ट्री आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ट्री इज अगेन अ नाउन। एट आपका प्रेपोजिशन और डोर आपका नाउन है, ठीक है। तो ये आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद उसको ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। नाउन भी हो सकता है और प्रनाउन भी हो सकता है। द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर, तो हमने फ्रेज अंडरलाइन किया एट द जोकर। तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन लग रहा है तो आप समझ जाओगे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, ऑन द कारपेट हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आपको बताना है कौन सा फ्रेज है, तो आप समझ जाओगे ऑन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपका नाउन लग रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आपका प्रनाउन तो ये आपका होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद अब आपका थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। कोई भी फ्रेज जो एक एडजेक्टिव की तरह लाई करेगा किसी सेंटेंस में उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो उसी तरह से एडजेक्टिव फ्रेज भी किसको मॉडिफाई करेगा, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। लाइक अब मैंने लिखा है अ किड ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई और मैंने फ्रेज अंडरलाइन कर दिया ऑन द रूफ, तो बेसिकली ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्यों, क्योंकि ये किड को मॉडिफाई कर रहा है कि कौन सा किड, वो किड जो रूफ पर है, ठीक है। ये किड को मॉडिफाई कर रहा है कि कौन सा किड, वो किड जो रूफ पर है, ठीक है। तो ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अ बॉय इन द शॉप इज माई फ्रेंड, तो बेसिकली बॉय भी आपका क्या है, एक नाउन है। और ये जो फ्रेज है आपका इन द शॉप, वो बॉय जो शॉप में है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज। फिर आपका एडवर्ब फ्रेज आता है, एज अ नेम सजेस्ट अ फ्रेज विच एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड योर एडवर्ब फ्रेज। जो फ्रेज आपका एडवर्ब की तरह एक्ट करता है वो आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो जिस तरह से एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज भी किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है कि आपकी जो एक्शन हो रही है वो किस तरह से हो रही है। द किड सैट बिसाइड हर मदर, ठीक है। सैट आपका वर्ब है और बिसाइड हर मदर उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द किड सैट, ठीक है, कि जो बच्ची है वो कहाँ पे बैठी, अपनी मम्मी के साथ बैठी, ठीक है। तो उसकी जो बैठने की पोजीशन है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो अपनी मम्मी के साथ बैठी, शी सैट बिसाइड हर मदर। तो ये जो आपका बिसाइड हर मदर जो मैंने फ्रेज अंडरलाइन किया है ये भी आपका एडवर्ब फ्रेज आ गया। ही ड्राइव्स अ कार इन अ वेरी हाई स्पीड, अब यहाँ पे इन अ वेरी हाई स्पीड किसको डिपिक्ट कर रहे हैं, ड्राइव्स को, ठीक है। ही ड्राइव्स, ड्राइव्स एक वर्ब है कि वो किस तरह से ड्राइव करता है कार को, उसकी एक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है इन अ वेरी हाई स्पीड, कि बहुत ही तेज स्पीड में वो चलाता है। तो मैंने जो ये फ्रेज अंडरलाइन किया इन अ वेरी हाई स्पीड, ये आपका क्या है, एडवर्ब फ्रेज। फिफ्थ आता है आपका वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या है, अ वर्ब फ्रेज इज ग्रुप ऑफ मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। किसी भी मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाए वो आपका वर्ब फ्रेज होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। इस तरह के जो आपके वर्ब्स होते हैं या आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो इसके साथ अगर आपका कोई मेन वर्ब लग जाए तो वो आपका क्या होता है, एक वर्ब फ्रेज, ठीक है। लाइक शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग आपका मेन वर्ब है, तो इज राइटिंग ये जो फ्रेज मैंने अंडरलाइन किया है ये वर्ब फ्रेज आ गया। ही हैज़ टेकन हिज एनुअल एग्जाम, तो हैज़ टेकन मैंने फ्रेज अंडरलाइन किया हुआ है, टेकन इज अ वर्ब और हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो कभी भी कोई मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो उस फ्रेज को हम क्या कहते हैं, वर्ब फ्रेज। लास्ट आता है आपका जेरिन फ्रेज। जेरिन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ जेरिन, ठीक है।
ये क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ जेरंड्स होता है, मतलब इसमें वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करते हैं उसको हम जेरंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जेरंड ही पढ़ाया था, तो जिसको जेरंड्स नहीं आते हैं वो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए। और जेरंड के साथ साथ इसमें कुछ मॉडिफायर्स होते हैं जो उसको मॉडिफाई करते हैं, या कुछ अदर वर्ड्स विच आर लिंक टू जेरंड्स, लाइक आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो लिसनिंग आपका क्या है, जेरंड है, और टू द म्यूजिक उसके साथ वाले एसोसिएटेड वर्ड्स हैं। आईएनजी वाले वर्ब्स जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं वो जेरंड होते हैं। क्राइंग ऑफ अ बेबी डिस्टर्ब मी अ लॉट, तो क्राइंग ऑफ अ बेबी जो मैंने फ्रेज अंडरलाइन किया हुआ है उसमें क्राइंग आपका जेरंड है, और ये आपके बाकी मॉडिफायर्स और अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेरंड फ्रेज। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट 6 टाइप ऑफ फ्रेजेस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है सो जस्ट राइट इन माई कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका नाम भी इजी लर्निंग विद हिमाल है, और इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।